राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से 3 चरणों में किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों के करीब 22,153 अध्यापकों ने हिस्सा लिया। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रथम चरण की प्रतियोगिता 5 सितंबर से शुरू हुई। प्रतियोगिता का विषय सरकारी स्कूलों पर शिक्षा देने के 12 मुख्य बिंदुओं पर रखा गया, जिसमें बचपन की देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव, मूलभूत साक्षरता और संख्या, सीखने के लिए एक आवश्यक और आवश्यक शर्त, सभी स्तरों पर शिक्षा को छोड़ने की दर और सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र सीखना समग्र, समेकित, आनंददायक और संलग्न होना चाहिए। प्रतियोगिता में प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों के करीब 22,153 अध्यापकों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के अंतिम चरण में प्रदेश भर के प्रत्येक जिलों से आई लगभग 120 प्रविष्टियों का 4 सदस्यों की टीम के निर्णायकों द्वारा मूल्यांकन कर उनमें से 10 बेहतरीन प्रविष्टियों को चुना गया, जिनको राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता के लिए प्रदेश की ओर से भेजा जाएगा। इस ऑनलाइन प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए SEERT के राज्य नोडल अधिकारी शिव कुमार शर्मा ने बताया कि ये प्रतियोगिता ऑनलाइन प्रक्रिया से 5 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक प्रदेश भर के तमाम स्कूल स्तर पर चलाई गई, जिसमें 22,153 स्कूल स्तर पर अध्यापकों ने हिस्सा लिया। SEERT सोलन में 19 तारीख से 21 तारीख तक ये स्टेट लेवल की इवेल्युएशन चली है हमारे साथ। इसमें जो पूरा जो टेक्निकल, क्योंकि ऑनलाइन था तो इसमें टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमारे साथ अमित कटोच जी हैं, जो IT टीचर हैं, इन्होंने पूरा इसमें हेल्प की। ऑनलाइन कंपटीशन कैसे बनाना है, गूगल फॉर्म कैसे एंट्री लेनी है, और जो एकेडमिक इनपुट था, एकेडमिक इसमें देख रेख थी, और इसमें जो हमारे को प्रारूप एकेडमिक बनाया गया वो हमारे साथ एक सीनियर फैकल्टी है, हमारे हिंदी के लेक्चर हैं श्री देवेंद्र शर्मा जी, वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुज्जी में है, तो उन्होंने बनाया है और उन्होंने हमारी SEERT की हेल्प की है। तो आज जो है 21 तारीख है और हम इसका जो बेस्ट 10 एंट्रीज जो है वो छंटनी करके इसका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। इसमें हमारे पास 4 जजेस थे, इसमें हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के शिक्षा विभाग के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर कुलदीप शर्मा जी, और वहां पर एक अध्यापक हैं श्री सुरेंद्र शर्मा जी, और हमारे SEERT में एजुकेशन विभाग के जो प्राध्यापक हैं डॉक्टर बीना ठाकुर जी, और श्री देवेंद्र शर्मा जी स्कूल कैडर के लेक्चर हैं DSS कुजी सिरमौर में। तो इन 4 जजेस से हमने इवैल्यूएशन करवा रहे हैं और आज शाम तक जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की प्राचार्य डॉक्टर नीलम कौशिक ने बताया कि राज्य स्तर पर परिषद में निर्णायकों द्वारा प्रविष्टियों का मूल्यांकन ऑनलाइन स्तर पर करवाया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर चयनित प्रविष्टियों को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्रिपरेशन ऑफ कम्युनिकेशन मटेरियल के ऊपर टीचर्स में एक कंपटीशन आयोजित करना के लिए मंजूरी दी थी और इसको सभी स्टेट्स में किया जाना था। हिमाचल प्रदेश में SEERT से मिस्टर शिव कुमार शर्मा जी इसके नोडल ऑफिसर सिलेक्ट किए गए हैं, और ये जो कंपटीशन है पहले चरण में ये 5 सितंबर से 25 सितंबर तक विभिन्न महाविद्यालयों में, विभिन्न स्कूलों में किया गया, और उसके उपरांत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये 1 से 12 अक्टूबर तक किया गया, और हरेक डिस्ट्रिक्ट से बेस्ट 10 एंट्रीज को इसमें सिलेक्ट किया गया, जो कि अब SEERT के पास आ चुकी हैं। अब SEERT में 120 डिफरेंट जो कृतियां प्राप्त हुई हैं, उनमें से हम स्पेशलिस्ट जो हैं वो 10 बेस्ट चुनेंगे और उनको फिर डायरेक्टरेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में भी लगाया जाएगा, SEERT के पोर्टल पे भी वो उपलब्ध रहेंगी, और उसको हम SEERT NCERT के पास भी भेजेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।